अमित शाह से कल पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी ने सौजन्य भेंट की। इस सौजन्य भेंट के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब अमित जोगी की भेंट के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहले अपन समझते हैं कि अमित शाह जैसे दिग्गज ने अमित जोगी से भेंट किस मायने में की होगी। एक तरफ एक आ जा रहा है कि अमित जोगी भाजपा में शामिल होने की इच्छुक हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव आगामी है, वहां टिकट चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ छत्तीसगढ़ से जुड़ी बातें उन्होंने कही है, बताई है। अब ये क्या है ये तो दोनों ही बता पाएंगे कि मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार था कि इसके कई राजनीतिक अर्थ बाद में देखे जाएंगे। राजनीति के चाणक कहे जाने वाले अमित शाह से मुलाकात के बाद खासकर कांग्रेस के कान खड़े हो गए हैं कि अब क्या हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के कई राज वो अमित जोगी जानते हैं। क्या उन राजों का कोई खुलासा करने वाले हैं या करेंगे या भीतरी तौर पर कार्रवाई की मांग किए हैं, एक बात। दूसरी बात, यह आरोप लगते रहे हैं या कहा जाता है कि गत विधानसभा चुनाव के दौरान अमित जोगी ने जोगी कांग्रेस ने जितने प्रत्याशी लड़ाए वो भाजपा के इशारे पर चुनाव लड़ाए, भाजपा ने संसाधन उपलब्ध कराया, भाजपा ने अमित जोगी को सुरक्षा प्रदान की, अमित जोगी के प्रत्याशी के लड़ाने का फायदा भाजपा को मिला है। तो क्या भाजपा से अंदरूनी मिलीभगत या मुलाकात के सहानुभूति है, या अमित जोगी आगामी दिनों अपनी राजनीतिक सक्रियता बनाना चाहते हैं। तो एक तरह से ये एक नई खबर जो आई है, उस खबर के अर्थ क्या है और आगामी दिनों इसकी चर्चाएं तेज होती जाएगी। अब लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में 11 से 11 सीट भाजपा छत्तीसगढ़ में चाहती है। ऐसे में कुछ सीटों में जोगी कांग्रेस का प्रभाव है। तो क्या अब जोगी कांग्रेस आगामी समय लोकसभा चुनाव में भाजपा को मदद करेगी, ये भी एक सवाल उठाए जा रहे हैं। तो कई तरीके के सवाल हैं एक राजनीति में कि अमित जोगी को भी एक बेहतर रणनीतिकार माना जाता है, तो किस तरह से रणनीति के तहत वो भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, ये भी एक आगामी दिनों पता चलेगा। तो कई तरीके के राजनीतिक समीकरण और व्यवस्थाएं बनेंगी। अभी विधानसभा चुनाव के बाद अमित जोगी ने कोई अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, हालांकि उनका जो बयान है वो पूरी तरह कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहे हैं अभी भी। दूसरी तरफ अमित जोगी ने जितने प्रत्याशी लड़ाए, जोगी कांग्रेस ने जितने जगह प्रत्याशी लड़ाए, वो लोग कोई खास वोट पाए नहीं। अधिकांश लोगों की जमानत जब्त हो गई, बेहद कम वोट पाए, इसलिए भाजपा को उतना प्रभावकारी जो फायदा होना चाहिए था वो विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ है। तो क्या अब आगे की राजनीति क्या होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।